पराग डेयरी के दूध व निर्मित अन्य सामानों निर्धारित मूल्य से ज़्यादा बेचे जा रहे हैं, जिसमें रोज किसी न किसी दुकान पर कहासुनी हो रही है। दुकानदार 1 रुपया प्रति पैकेट ये कहकर ले रहे हैं कि दूध को ठंडा रखने के लिए बिजली लगती है, जबकि पराग डेयरी के कमीशन में ये सब सम्मिलित होता है। आज जब हमारे संवाददाता ने इसकी शिकायत जीएम डेयरी से की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इस तरह की कोई शिकायत अभी तक नहीं आई है। उन्होंने बिक्री अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि तुरंत इसकी जांच कर कार्रवाई करें। फैजाबाद शहर के अंदर और जनपद के अंदर कुछ एजेंसी के लोग और आपके जो विक्रेता है, दूध के विक्रेता है या मक्खन विक्रेता है, कुछ भी हैं एक्सवाइड जो भी आपके प्रोडक्ट हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं एक बात आ रही सामने, कंज्यूमर से कूलिंग को लेकर के, मिल्क कूलिंग को लेकर के 1 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज है, इसमें क्या कहना आपका है? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूँ, विशेषकर जो है तमाम उपभोक्ताओं के हित में ये बहुत जरूरी भी है कि जो रेट हमारा कंज्यूमर रेट है उसके अलावा कोई उस पर किसी भी तरह का कोई एडिशनल चार्ज नहीं है। कूलिंग चार्ज या चिलिंग चार्ज ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जहाँ तक वो अगर कोई ऐसी जानकारी आती है तो मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि मुझे संज्ञान मिला है, और अगर मुझे संज्ञान मिलता है तो मैं इस पर जरूर कार्रवाई करूँगा। तो क्या ऐसे लोग अभी आपके पास आए नहीं क्या? ना, हमारे ऐसे कोई जानकारी नहीं। तो क्या आप उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? आप डेफिनेटली उस पर कार्रवाई होगी, रिकवरी हो सकती है, उसकी एजेंसी निरस्त हो सकती है, उससे उसको डिपार्ट किया जा सकता है। क्या नाम है आपका? मैं एएन वर्मा, मैंने अभी इस फजा दुख संघ में जो है इसी जुलाई में ज्वाइन किया हुआ है, और मैं इसकी समीक्षा कर रहा था, लेकिन ऐसी कोई जानकारी मेरे पास आई नहीं है जिससे मैं कोई कार्रवाई कर सकूँ। शहर में चोरों की सक्रियता काफ़ी बढ़ गई है। आज इसका निशाना बने शिक्षक राजेंद्र कुमार पांडे। श्री राजेंद्र कुमार पांडे ने नगर कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर हमारे संवाददाता को बताया कि वह अपनी पुत्री या पत्नी के साथ अपने मित्र के यहाँ अखंड रामायण में सरयू विहार कॉलोनी गए थे। जब वे वहाँ से वापस करीब 3:30 बजे लौटे तो देखा सभी ताले टूटे थे, जेवर गायब थे और 55,600 रुपये जो कि बीमा का रखा था उसको भी चोर उठा ले गए। ये देवकाली स्थित गायत्री पुरम कॉलोनी है ये? जी सर। तो विगत कितने वर्ष आप रह रहे हैं यहाँ पर? 2004 से रह रहे हैं। 2004 से। ये आज आपके घर में कैसी घटना घटी, चोरी की, क्या कैसे क्या प्रॉब्लम? मैं स्कूल गया था, अनिल सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ाता हूँ, विद्यालय से वापस आया तो एक हमारे मित्र बैंक ऑफ इंडिया में लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हैं, उनके यहाँ अखंड रामायण था, दोपहर को भोज पे बुलाया था, तो 1:30 बजे मैं यहाँ से निकला हूँ परिवार के साथ अपने, 3:30 बजे लौट करके आया तो देखा अंदर से दरवाज़ा बंद था, पीछे गेट खोल करके हमने जो है वो भी आगे पीछे बंद किए थे तो उंगली डाल करके किसी तरह से खोला उसको पीछे। यहाँ आया देखा तो सारा सामान जो है ये सब कपड़े वपड़े सब यहाँ छितराए हुए पड़े हुए थे, ये अलमारी का लाकर जो है ये थोड़ा टूटा हुआ है, पीछे के दो कमरों का ताला टूटा गया, उसका कुंडा तोड़ दिया है, इसमें लगभग सीकड़ रखी हुई थी, एक अंगूठी थी सोने की, कुछ LIC का पैसा था लगभग 55,000 रुपये। कितना अमाउंट था LIC का पैसा? लगभग 55,600 रुपये। और जेवर भी गहने भी गए? जेवर में एक अंगूठी थी, एक सीकड़। तो इसकी शिकायत आपने चौकी में की? शिकायत मैंने चौकी में किया, चौकी प्रभारी यहाँ आए थे, आगे पीछे सब निरीक्षण किया, इसके बाद पीछे काम हो रहा है, वहाँ जा कर के एक आदमी को उठाया, कोतवाली ले गए हैं चौकी पर, हमसे कहे आप चले जाइए वहाँ कोतवाली, वहाँ FIR दर्ज कराइए, तो वहाँ गए अप्लीकेशन दे करके आया, वो कहा कि रात में 12 बजे तक लिखी जाएगी FIR, या तो आप 12 बजे रुके रहिए या तो सुबह जो है। क्या आपको कोतवाल मिले मौके पे? कोतवाल साहब तो नहीं मिले जी। क्या कहा उन्होंने? जी सर, कोतवाल ने क्या आपसे कहा? क्या कोतवाल साहब तो नहीं मिले सर। कौन मिला वहाँ? प्रभारी मिले वहाँ पर? दो SI थे बैठे हुए थे, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन देखा और पीछे भेज दिया जहाँ FIR लिखा जाता है, तो उन्होंने कहा एप्लीकेशन ये दे दीजिए हमको एक, हम इसी से आपकी रिपोर्ट लिख देंगे, लेकिन आज नहीं हो पाएगा,
या तो 12 बजे तक रुकिए, सुबह आप आइएगा तो 9-10 बजे तक वोट आपको दे देंगे। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद पांडे। यानी मौके पे 100 नंबर आई थी या पुलिस चौकी प्रभारी खुद आए थे? नहीं, पुलिस चौकी प्रभारी खुद आए थे, संजीव कुमार। तो यहाँ पर आकर मौके पे चेक को किया? हाँ जी। और कभी ढूंढने का उसको प्रयास किया नहीं है उसको मुजिम को? जी सर। जो चोर था उसको ढूंढने का प्रयास किया? हाँ, घूम करके देखा आगे पीछे सब, और पीछे काम कर रहे थे दो जगह मजदूर, मजदूरों से बात किया, एक मजदूर उनको कुछ संदिग्ध लगा तो उसको पकड़ के ले गए। यानी एक को संदिग्ध किया उसमें लेकर चले गए? जी सर। पूछताछ के लिए? क्या नाम आपका है? राजेंद्र प्रसाद पांडे। क्या करते हैं आप? मैंने सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ाता हूँ। तो LIC के पैसे कैसे आपके पास आए? LIC के पैसे, मेरा बेटा LIC एजेंट है, तो वो इस समय पढ़ाई करके दुर्गेश नंदनी डिग्री कॉलेज में पढ़ाने जाता है, तो हम दोपहर में जल्दी लौट के चले आते हैं, तो उसने दिया कि पैसा जमा कर दीजिएगा LIC ऑफिस में जाकर के। शिक्षा मित्रों का BSA ऑफिस में 6वें दिन भी भारी पुलिस बल की मौजूदगी में धरना प्रदर्शन जारी रहा। आज शिक्षा मित्र कल्याण परिषद ने भी इनको अपना समर्थन दिया। इस अवसर पर कल्याण परिषद के जिला अध्यक्ष विजय कुमार वर्मा ने कहा, यदि हम लोग की बात सरकार ने नहीं मानी तो हम लोग आत्मदाह को मजबूर होंगे। इस अवसर पर सुरक्षा के PAC SO थाना कैंट नगर पुलिस सभी चौकी के प्रभारी एवं बड़ी संख्या में पुलिस बल किसी अनहोनी से निपटने के लिए तैयार दिखी। भाई, जो सुप्रीम कोर्ट से हमारा जो है निर्णय आया है उससे हम लोग खिन्न हो गए हैं। हम लोग रोजी रोटी चली गई है, हम लोग पूरे 172,000 परिवार जो है रोड पे आ गया है। उनके निराकरण के लिए सरकार द्वारा उचित कदम उठाया जाए, अध्यादेश लाया जाए, हमको पूरा पुनः जो है सम्मान दिया जाए, शिक्षक का पूरा दर्जा दिया जाए, तो हम लोग भाई नहीं करेंगे आत्मदाह, न था तो आत्मदाह करेंगे। हम लोग सड़क पे आ चुके हैं, पूरा परिवार हमारा सड़क पे आ चुका है, और हमारी आवाम से ये आवाज़ है कि जो है हम लोगों को जो है पूरा पूरा जो है सम्मान दिया जाए। DSA के प्रांगण में आप यहाँ बैठे हुए हैं जी, और यहाँ फैजाबाद जनपद के लोग हैं या मंडल के लोग हैं? नहीं, फैजाबाद जनपद जिला, पूरा पूरा जिले के लोग हैं यहाँ उपस्थित हैं। सावन मेले में उमड़ी भीड़ के मद्देनजर आज मौनी बाबा आश्रम वासुदेव घाट के महंत रामप्रीत दास ने आज हमारे संवाददाता को बताया कि यदि सावन मेले की शुरुआत मणि पर्वत बनते ही शुरू हुई, जब अयोध्या साम्राज्य की मणियों को एक जगह इकट्ठा किया गया तो उसने पर्वत का स्वरूप ले लिया। चूंकि वह सावन का महीना था, अंततः भगवान श्री राम ने वहाँ झूला डालकर झूलना शुरू कर दिया। तब से अब तक सावन और सावन में झूला झूलना एक दूसरे के पर्याय बन गए।
क्यों मनाया जाता है, कैसे क्या बताएं? इसलिए मनाया जाता है, जब श्री राम जी जनकपुर से आए थे उनको बहुत दाजी में मिला था मणि, और मणि इतनी थी कि दशरथ जी महाराज ने मणियों का ढेर लगा दिया, पहाड़ बन, तो राम जी ने उस पर झूला डाला और झूला झूलते हैं उसमें दोनों जने। और इसे मनाया जाता कि 84 लाख जो जौनी हैं, इस जो आने इसमें विभाग लेगा, संबंध होगा, उसका आने 84 लाख से छुट्टी पा जाए। महाराज जी, ये मणि पर्वत जो है ये इसी से बना हुआ है, मणि से ही बना है? मणि से ही बना, पर हमारे अभी देखने के लिए नहीं, और नेत्र नहीं है, मणि है ही वहाँ पर, भगवान भी विराजमान है अयोध्या जी में, सोने की अयोध्या जी है, पर हमारे उसके देखने के लिए नहीं है नेत्र। जिस तरह से यहाँ पर चल रहा है मामला मेला, और ये जो सावन झूला जो है कैसे स्टार्ट होता है, कब से ये होता है? श्रावण अक्षय तृतीया से यहाँ कहीं कहीं आने गुरुपुर मास है, 3-4 जगह रंगमहल है और गमला जी के 3-4 जगह पूर्णमास है, गुरुपुर मास है, पूर्णमासी तक रहता है, और सभी जगह अक्षते जो मणि पर्वत होता है झूला तीज का मेला मणि पर्वत से शुरू होता है तीज से, और ये पूर्णमासी तक रहता है। महाराज जी, क्या नाम है आपका, नाम क्या है महाराज जी? मैं राम प्रियदास। आप रोज देखते रहिए समाचार इसी चैनल पर इसी समय। धन्यवाद, नमस्कार।